हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुम विद अंजू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ न्यूली लॉन्च, जो अभी अभी एक दो महीना पहले लॉन्च हुआ है मार्केट में, मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया है। ये फाउंडेशन कैसा है, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। ये प्रोडक्ट मैंने खुद खरीदा है, टेस्ट एंड ट्राई किया है, उसके बाद मैं आपके लिए ये वाली वीडियो लेके आई हूँ। क्योंकि ट्राई एंड टेस्ट करने के बाद ही पता चलता है कि कैसा ये फाउंडेशन है, इसकी फिनिश कैसी है, ये मैट लुक देता, ऑक्सीडाइज तो नहीं होता स्किन पे, स्किन को काला तो नहीं करता, या जितनी इसके अंदर लिखा है ये सब क्वालिटीज के अंदर है, या फिर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इतना कुछ इसके अंदर लिख दिया है। क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो इसके बारे में बहुत अच्छे से रिसर्च करके, और सबसे बड़ी बात, दो तीन बार इसको मैंने लगा के ट्राई किया, टेस्ट किया स्वेट में भी, तो इसका क्या रिजल्ट निकला है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी। और ये वाली वीडियो दोस्तों आप ध्यान से एंड तक देखिएगा, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट है, बहुत लेडी ने, गर्ल्स ने ये वाला प्रोडक्ट बाय करने वाली होंगी, तो इसके बारे में अगर उनको ऑनेस्ट रिव्यू और इसके बारे में उनको सही सही जानकारी हो तो इसको परचेज करें या ना करें, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो उससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मुझे इस टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। एक ही चैनल पर आपको इतनी ज़्यादा वैरायटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा चुन चुन मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। दो साल मुझे भी हो गए हार्डवर्क करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज वाला ये ऑनेस्ट मामा अर्थ ग्लो फाउंडेशन वाला रिव्यू आपको कैसा लग रहा है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रूम विद अंजू। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस वाले प्रोडक्ट का रिव्यू, जिसका नाम है मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन। बात करते हैं सबसे पहले ए मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन की। पैकेजिंग आप देख रहे हैं, इस तरीके के कार्डबोर्ड वाले बॉक्स में ये वाले फाउंडेशन की पैकेजिंग है। और अब मैं करती हूँ इसकी क्वांटिटी की बात, तो क्वांटिटी आपको मिल रही 30 ml। और इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, ये प्राइस मुझे मिला है, ये वाला प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुआ है 599 रुपीज में, और मैंने इसको अमेजन से परचेज किया है। अब बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है आपके फेस पे ये 2 टाइम इंस्टेंट ग्लो करेगा, और साथ ही साथ इसके अंदर है विटामिन सी और टर्मरिक, जो स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, सभी को पता है। और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट बताता है कि ये देता है आपको काफी अच्छी कवरेज, और साथ ही साथ सभी इंडियन स्किन टोन के लिए ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यानी कि ऑल ओवर स्किन टोन के लिए इंडियन सब पे चलेगा। शेड्स इसके अंदर आते हैं 7 से 8, आप अपनी स्किन अकॉर्डिंग शेड्स ले सकते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से ये वाला प्रोडक्ट, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसके अंदर से पैकेजिंग है, जो काफी अच्छे तरीके से इसको पैकेज किया हुआ है पैक। और अब मैं दिखाती हूँ इस तरीके की एक कांच बोतल में, आपको सुंदर कांच बोतल में इस तरीके से ही आपको रिसीव होगा, इसका कवर इस तरीके से, ऊपर की कैप भी बड़ी खूबसूरत है ये व्हाइट कलर में। अब बताती हूँ मैं आपको ये प्रोडक्ट कैसा है, ये लिक्विड फॉर्म में है या थोड़ी थिक फॉर्म में है, ये आप देख रहे हैं इस तरीके से मैंने अभी लिया है ये थोड़ा सा प्रोडक्ट, और इस तरीके से डॉट करके मैं पहले आपको उसको हाथ पे लगा के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको इस पे फेस पे एप्लीकेशन करके भी दिखाऊंगी और बताऊंगी। तो इसको अब मैं इसी तरीके से फिंगर से कर रही हूँ, इस तरीके से ब्लेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं, बस मैं इसको फिंगर से ही ब्लेंड करके आपको, यानी कि फेस और हाथ में दोनों पे ही दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ को, यहाँ पे मैंने ये वाला फाउंडेशन लगाया है और इधर फाउंडेशन नहीं लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि ये काफी लाइट वेट फॉर्मूला है, लगाते ही ग्लो तो आया है, बट जो भी छोटे मोटे हमारे फेस पर स्कार्स होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, क्या है, उनको भी हाइड कर सकता है, तो वो सब मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी। ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट आपको लेना है या नहीं लेना है। चलिए वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। Thank you.
आपके सामने मैंने ये वाला फाउंडेशन इस तरीके से टैपिंग कर करके अपने फेस पर अप्लाई कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन सा शेड अप्लाई किया है। मेरा शेड नंबर है, आप देख सकते हैं, 01 आइवरी ग्लो, यानी कि मेरा शेड नंबर है 01। जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग अपना कलर चेक करके, इसमें 7-8 शेड्स आते हैं, अगर आपको फाउंडेशन पसंद में आता है तो आप इसको मंगा सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि इस टाइम मैंने अपने फेस पर, तो जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, आफ्टर क्लिंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और प्राइमर मैंने अप्लाई कर लिया था ऑफ कैमरा, क्योंकि फाउंडेशन का डेमो आपको दिखाना था, और वो मैंने अप्लाई के बाद अब आपके सामने ही ये वाला फाउंडेशन फेस पर अप्लाई किया है। देख सकते हैं आप कि मेरे फेस पर जो भी छोटे मोटे दाग धब्बे हैं या थोड़ा बहुत मेरे फेस पर थोड़ा सा अंडर आई है, तो उसको इसने ऐसा नहीं है कि पूरा हाइड कर दिया है। आप देख रहे हैं हल्का हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा, जो मेरे थोड़े से अंडर आई है, जो थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं, वो इस फाउंडेशन को एक कोट करने के बाद, पतली पतली कोट के बाद भी दिखाई दे रहा है। ग्लो डेफिनेटली फेस पर दिख रहा है, बहुत अच्छा ग्लो दिख रहा है, क्योंकि फेस पर आप देख सकते हैं इस फाउंडेशन से ग्लो तो अच्छा है। और थोड़ा थोड़ा और मैं इसकी एक कोट अंडर आई के नीचे करके दिखाना चाहती हूँ कि जिनके फेस पर थोड़ा बहुत अंडर आई है या पिगमेंटेशन को कैसे ये हाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। लाइट हाइड किया है, पूरा मैं नहीं बोलूँगी कि इसने पूरा हाइड किया है। अभी हम थोड़ा थोड़ा और लगा के देख लेते हैं कि किस तरीके से ये और जो हमारे फेस पर पिगमेंटेशन है, जहाँ पर मेरे दाग धब्बे हैं, अंडर आई है थोड़ा बहुत, मैं वहाँ पर इसको थोड़ा थोड़ा और अप्लाई कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ये फुल कवरेज फाउंडेशन है तो ऐसा नहीं है। इसको लगाने के बाद जो मुझे महसूस हुआ है, ये बिल्कुल भी फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, बहुत ही लाइट कवरेज फाउंडेशन है। और इसको लगाने के बाद बस आपके फेस पे हल्का सा निखार आपको दिखाई देगा। आप सोचे कि ये मीडियम कवरेज फाउंडेशन है या इससे आपके फेस पे बहुत ज़्यादा आपके दाग धब्बों को ही हाइड कर देगा, तो ऐसा नहीं है। इस पे लिखा है कि ये 12 घंटे स्टे करता है फाउंडेशन, लेकिन मुझे नहीं लगता ये 12 घंटे स्टे करता है। वो भी मैं टेस्ट आपको करके दिखाऊंगी, आगे नैपकिन टेस्ट करके दिखाऊंगी कि ये आपके फेस पर 12 घंटे स्टे करता है या नहीं है। ये देखिए आप, मैंने इसकी सेकेंड जो फाउंडेशन की लेयर थी वो आईज़ के नीचे और दाग धब्बों पर दोबारा लगाया है, लेकिन तब भी थोड़े थोड़े दाग धब्बे फेस पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही कम मीडियम कवरेज के साथ ये वाला, मुझे मीडियम से भी कम कवरेज में बोलूँगी। अब इस पे लिखा है इस वाली बोटल पे कि ये वाटरप्रूफ है। अब देखती हूँ मैं आपके सामने, मैं बहुत सारा रोज वाटर, जितना हमें स्वेट हो सकता है गर्मी में, उसको मैं अपने फेस पे डाल के आपको नैपकिन टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं। क्योंकि सारी नॉलेज, क्योंकि ऑनेस्ट रिव्यू पर भी वीडियो बना रही हूँ, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि आप इस टाइम मुझे देख रहे हैं, तो जो भी रिव्यू होगा मेरा ऑनेस्ट ही होगा। ये देखिए, मैंने अपने फेस पे, जिस तरह से हम बाहर जाते हैं स्वेट हमारे फेस पे आ जाता है, उस तरीके से मैंने अपने फेस पर रोज वाटर अच्छे से स्प्रे कर लिया है। ये रहा साफ नैपकिन। अब मैं देखती हूँ कि ये तो मैंने अभी अभी अप्लाई किया है, ये कितनी देर हमारे फेस पर स्टे करता है, क्योंकि इस पर 12 हार्स लिखा है। तो मैं आपको ये देखिए आपको दिखाती हूँ, जहाँ जहाँ मुझे स्वेट आया था वहाँ वहाँ पे मैंने, ये जहाँ जहाँ पर मुझे स्वेट, जहाँ जहाँ हमारे फेस पर स्वेट आता है वहाँ वहाँ पर मैंने रोज वाटर लगाया था, और उसको मैंने नैपकिन से इस तरीके से साफ कर लिया है, यानी कि जो रोज वाटर मेरे फेस पे था। अब मैं नैपकिन का हाल आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप कैमरा पर, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लाइट पता नहीं कैमरा पर आपको कितना दिखाई दे रहा है, बट काफ़ी ज़्यादा जो ये फाउंडेशन फेस पे लगाया था वो उतर के इस पर आ चुका है, मेरी नेचुरल स्किन बाहर आ गई है। ये देखिए आप, मेरी नेचुरल स्किन नीचे से बाहर आ रही है, यानी कि थोड़ी सी स्वेटिंग के बाद ये बिल्कुल आपके बाहर आप निकलेंगे तो ये बिल्कुल फाउंडेशन निकलने वाला है। मैंने इस फाउंडेशन पे ये वाला आज वीडियो इसीलिए बनाया है, क्योंकि पेड प्रमोशन होता है तो उसमें सिर्फ आपको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी, लेकिन जब लोग अपनी कोस्ट से मंगा रहे हैं तो आपको इस फाउंडेशन की अच्छी और बुरी चीज़ें सब आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, कुछ चीज़ें अच्छी है इसके अंदर, है टर्मरिक है, हल्दी है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, क्योंकि मामार्थ के जो भी ब्रांड होते हैं वो सब टेस्टेड होते हैं, स्किन के लिए सेफ होते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर बहुत अच्छी है। लेकिन ये वाटरप्रूफ बिल्कुल नहीं है,
दूसरी बात, फेस पर ये 12 हार्स स्टे करता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। अभी के अभी मैंने इसको आपके सामने टेस्ट एंड ट्राई किया है और आफ्टर जब मैंने अपने फेस पे लगाया है बहुत सारा रोज वाटर, जितनी हमें घर के बाहर निकलने के बाद स्वेटिंग होती है, तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से मेरे नेपकिन के ऊपर ये पूरा दोस्तों निकल आया है फाउंडेशन। तो मैंने ये बॉटल ली है, मैं तो इसको यूज़ कर लूँगी। एक्चुअली दूसरे फाउंडेशन के साथ मिक्स करके मैं इसको यूज़ करूँगी, मुझे नहीं लगता कि थोड़ी सी भी कवरेज इसने मुझे दी है। बट अगर आपको बिल्कुल कवरेज नहीं चाहिए, सिर्फ स्किन पर ग्लो चाहिए, तो आप ये वाला फाउंडेशन ले सकते हैं। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मुझे नहीं लगता ये फाउंडेशन आपको बिल्कुल भी सूट करेगा, यानी कि ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा बेस्ट नहीं है। प्लस अगर आपके फेस पर दाग धब्बे, पिगमेंटेशन, अंडर आई बहुत ज़्यादा है और आप सोचते हैं फाउंडेशन अच्छे से उसको कवरेज देगा, तो बिल्कुल नहीं देगा, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, अगर आपके फेस पर दाग धब्बे नहीं है या सिर्फ आपको फेस पर सिंपल थोड़ा सा एक टोन चाहिए कि फेस आपका क्लियर लगे, बस इतना ही पर्पज है ऑनेस्टली बोलूँ, तो इस फाउंडेशन के लिए मेरा रिव्यू यही है कि मुझे पर्सनली ये बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया है। एक पहला फाउंडेशन मेरे हाथ में ऐसा आया है जिसको मैं एक दो बार पहले भी अप्लाई किया है, तो वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने सोचा पसंद नहीं आया इसीलिए मैंने आज आपके सामने बैठ के पूरा वीडियो, पूरा डेमो आपको दिखाया है। तो मेरी तरफ से तो बहुत बिग थम्स अप मैं इस वाले मामा अर्थ ग्लो फाउंडेशन को नहीं दूंगी। दोस्तों आज थी आज का ये ऑनेस्ट रिव्यू मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन। आप पूरी वीडियो आपने शुरू से एंड तक देखी है, डिसीजन इज योर्स कि आपको ये फाउंडेशन लेना है या नहीं लेना है। इसके बाद तो मैं इसकी सेकंड बोतल नहीं मंगाने वाली हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। बट आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको पसंद आया है तो आप ये वाला फाउंडेशन मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये ऑनेस्ट रिव्यू जो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, बिल्कुल ऑनेस्टली मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में एक एक बातें बताई है और आई होप आपको आज वाली वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको आज वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि बहुत लोगों तक इस प्रोडक्ट की जो है इंफॉर्मेशन पहुँचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना प्रोडक्ट नहीं है, अभी एक दो महीने पहले लॉन्च हुआ है, तो बहुत सारे लोग इसको खरीदना चाहते होंगे, तो उसको इसके बारे में उनको ऑनेस्ट जानकारी होनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज वाली वीडियो आपको कैसे लगी है। मिलती हूँ मैं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।